अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद मेहर फातिमा। आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू। पहले ले लिया है सोट 50 ग्राम, 50 ग्राम पिस्ता, 50 ग्राम चरौंजी, 250 ग्राम गोंद, 100 ग्राम रवा सूजी, 100 ग्राम सिंगाड़े का पाउडर, 100 ग्राम मखाने, 50 ग्राम सफेद मूसली, आधा किलो गुड़, इसमें हम शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश, 150 ग्राम छुहारे, 150 ग्राम सूखा नारियल, इन सब ड्राई फ्रूट और मसालों को घी में रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले आधा कप घी डालेंगे। घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा और डालेंगे और गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। इसे इस तरीके से भी कूट सकते हैं गिलास में डाल के, देख सकते हो वेफर लगे, आप उसे कीजिए। बस गोंद अंदर तक के पका होना चाहिए। आप इसे बारीक सा कर लें। घी में हम किशमिश रोस्ट कर लेंगे। अब हम बादाम को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब हम काजू को रोस्ट करेंगे। उस पॉइंट पे हम काजू को निकाल लेंगे।
घी में भी रोस्ट कर सकते हैं, विदाउट घी में भी रोस्ट कर सकते हैं। मैं विदाउट इसमें थोड़ा थोड़ा मखाना थोड़ा थोड़ा करके हम इसे रोस्ट करेंगे। विदाउट घी का भी रोस्ट हो जाता है। थोड़ा सा हम घी ऐड करेंगे इसमें कढ़ाई में और सूजी को रोस्ट कर लेंगे। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, इसका गुलाबी होने तक हमें इसे रोस्ट करना है। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। सोल्ट को हमने मिक्सी में पीस के पाउडर बना लिया, इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा घी डाल के। सिंगाड़े का पाउडर भी हम रोस्ट कर लेंगे। ऐसे आप ये प्रोसीजर गरम गरम ही करें। सेम जिस तरीके से हमने गोंद को अच्छे से हमने बारीक बारीक कूट लिया था, उसी तरीके से हमें मखाने को भी कूट लेना है। मखाने को हमने इस तरीके से कूट लिया है, ये देखिए। सारे मखाने को कूट लेंगे, हल्का सा दरदरा इसे पीस लेंगे मिक्सी के जार में, किशमिश को छोड़ के। हमने सोल्ट पीसा था इसी जार में, हम नारियल को भी पीस लेंगे, दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए इस पॉइंट पे इतना हमें दरदरा सा पीसना है। सारे मसाले को हम पीस के डालेंगे, हल्का सा मोटा रखा है इसे। अब एक मूसली को भी हम बारीक सा पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। ये सफेद मूसली हमने पीस लिया है, बारीक सा पीसना है। नहीं ऐड करेंगे, 750 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे। आपके पास इससे बड़ी अगर कोई डिश है तो आप उसमें बना लें, पतीला कढ़ाई। गैस का फ्लेम अब हम फास्ट कर देंगे, ऐसे पका लेंगे। गुड मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें मिक्स किए हुए ड्राई फ्रूट को थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। आप लड्डू बनाते साथ आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे।
हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आप चाहे तो इस तरीके से भी एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो लड्डू भी बना सकते हैं। गुड़ के लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। में बहुत फायदे होते हैं, आप वैसे भी खा सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े ये मॉम्स, ये सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। खासकर जोड़ों के दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द के लिए लड्डू बहुत ही फायदेमंद होता है। आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी के तरीके से, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। इसी वक्त बनाइए तरीके से हाथों में ले। इस तरीके से बेहतरीन बनके तैयार है लड्डू। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।